चुंबक चांदनी क्या सा घमंड करे रे चांदना की चुंबक चांदनी क्या सा घमंड करे रे तेरे माथे में बड़े तीर है तूने सूझा बांध दिए थे चांदना की चुंबक चांदनी क्या सा घमंड करे रे चांदना की चुंबक चांदनी क्या सा घमंड करे रे वार्ता करते टाइम इको थोड़ी कम कर लिया करो। न्यू बताया कि तेरे माथे में बल तीन रहे सूजा गात फिर ऐसे अरे चार दिन की चमक चांदनी क्या का घमंड करे ऐसे। पहली बात मैंने बताया हमारे बड़े बुजुर्ग ने कह दिया करे न्यू बेटा समाज में तीन चार डाल की चीज है जो सारी उम्र शेर देंगी दुख देंगी। कौन कौन सी? छोटी बेली, खेत में गैली, दारू की थैली और राम रहीमर की चेली छेद देंगी। ये मारी माता बन जाओ कहीं बाबा तो संकट कटवान ओ बाबा संकट काट दे बाबा आप जेल में पड़े मच्छर मार रहे तारे कितना संकट काटेंगे। हमारे बीच में महाराज जी बैठे हैं इनके शकल से ही मतलब चेहरा देखने से ही तेज महसूस होता है कितने तेजस्वी महाराज है। लेकिन कई महाराज ऐसे हैं जिन्होंने सारा का नाम खराब कर रखा है। पहली बात मैंने वो बताया घमंड नहीं करना चाहिए। अगर इंसान न्यू घमंड करता हो वही तेरे पास में पैसे हैं वो भी सदा नहीं रहने के बताया। पहली बात मैं क्यों कर रही अरे मान लिया तेरा धन भी से मान लिया तेरे धन भी से बड़ी बात नहीं से यो धन वैश्या के भी हो जा जिका जात जमात नहीं से कर्म करा अरे कर्म करा दंड पड़े भोगना या तेरे हाथ नहीं से मात पिता अरे मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से उस नगरी में ले जाया जागा उस नगरी में ले जाया दूसरी बात मैंने बताया पैसे का घमंड तो करना नहीं चाहिए क्योंकि मान लिया तेरा धन भी है या कोई बड़ी बात नहीं है धन वैसा कह भी हो गया जी को जात जमात नहीं है। कर्म करा इंसान ने जो कर्म कर रहा है क्या भोगना पड़ेगा। जो परमात्मा है हम कोई गलती करते हैं उस तो माफी मांगेंगे वो माफी मांगने तक चिड़े है असल बात यो है परमात्मा जो है क्यों क्योंकि जिस प्रकार कोई मुजरिम जुर्म कर दे और कोर्ट में तुम उसने पेश कर दोगे जो जज उसने माफ कर देना तो क्राइम बढ़ेगा घटे नहीं गा उसी प्रकार परमात्मा जो है माफी नहीं देता। जो इंसान ने कर्म कर रखे हैं वो भोगने पड़ेंगे ईब ना दो दिन बाद में कर्म करे और कर्म आगे होगा। दूसरी बात मैंने बताया अगर इंसान न्यू घमंड करता हो अगर भाई तू जवान है सुंदर है अच्छा रंग रूप है वो भी सदा नहीं रहना। पंडित लक्ष्मी चंद ने न्यू कह रखी है कि नर कर आगे का ख्याल मतना चौड़ा होगा चाल बुढ़ापा बैरिया होगा के खेल खिला होगा। लेकिन आजकल बुढ़ापा भी और ढालका हो गया वो एक बूढ़ा आंख बनवाने चला गया अस्पताल में बुढ़े की बात बताऊंगा बड़े ठुरकी बुढ़े हो गए आजकल क्योंकि सिस्टम बदल गया। हेलो हाँ जी हाँ एक मिनट बूढ़ा आंख बनवाने चला गया अस्पताल में गया डॉक्टर ने आंख बना दी ऑपरेशन कर दिया फिर वहां जो पट्टी खोली ना आगे एक छोरा खड़ा कर दिया ताऊ देख के बता साफ दिखेगा
ताऊ ना हाथ लाया ला के बोले ना भाई धुंधला दिखे है। अब डॉक्टर ने फिर पट्टी पट्टी बांध कर की मैं दवाई दूई सी गेरी छिड़की फिर खोली नु कोई बताता हूँ बोले ना ला का हाथ बोले भाई धुंधला दिखे है। बगल में एक नर्स खड़ी थी वह खड़ी कर दिया कहने को ताऊ ईब देख ताऊ देख कर राड़ा हाथ ला के बोले भाई कति साफ दिखे इसे बूढ़े हो गए। वो डॉक्टर बोला ताऊ यह बात समझ में नहीं आई ये छोरी तो ना दिखी छोरे दिखते नहीं। वो बूढ़ा बोला रहा बावड़ी बूच डॉक्टर तू ही बने हाँ बावड़े इसी इसी छोरी भी इतमा का देख दूँ इसे इसे बूढ़े हो गए उनमें ख्याल नहीं शरीर बिल्कुल खराब लेकिन दिमाग तो जवान है। दूसरी बात में उम्र के बारे में लिखा कभी ना के लिखे अरे खून रहना आवे बुढ़ापा खून रहना आवे बुढ़ापा और उचाटी होगी बेटे और बेटियां की बहुत है तेरी तबीयत खाटी होगी आँख्यां ते तने कम दिखेगा तेरी रे रे मट्टी होगी कोई भी ना तेरी पकड़े आंगली अरे हाथ में लाठी होगी एक सिस्टम चला था जिसने भी देखा बाल बधा के हनुंग में बदमाश हूं पहले जमींदार थे फिर जमीन बेच बेच के दौरे पीछे आगे बदमाशी करेंगे और के करेंगे। वो एक छोरा शरीर में बिल्कुल मेर की डाल में भी थोड़ा मतलब तगड़ा मान लो गढ़ा कमजोर उसने उसकी मां लेगी डॉक्टर कहने डॉक्टर साहब हमारे छोरे ने देखियो इसका ना तो घी लागता ना दूध लागता ना बदाम लागते चमन प्राश भी नहीं लागता डॉक्टर साहब दुखी होगी इसका क्या लागेगा। डॉक्टर ने बोले इसने घर ले जाओ इसका दाग लागेगा। वो छोरा रेल में बैठा जा रेल में आगे आगे बैठा दो आदमी की सीट पे एक लचोड़ा होगा बैठा एक आया नु भाई साहब थोड़ा परे ना होले मैं भी बैठ जाऊंगा बोले तन बेरा मैं कौन हूं नु कहते अगला डर गया सोचा वरना के जुगाड़ है वो चला गया सोचा पीछे देख जाएगा तू। एक और आया आगे वो भी नहीं बोले भाई साहब थोड़ा पड़े न होले मड़ा मैं भी बैठ जाऊंगा बोले तने बेरा मैं कौन हूँ और अकड़ का बोले आंगा लागे लिगड़न हो गया सब कुछ फिर बोले नु तने बेरा कौन हूँ नु कहते वो भी डर गया सोचा बना के है कि मैं बंदूक बंदूक ले रहा हूँ बूढ़ा आदमी था सोचा टाल जा टीम ने वो भी चला गया पीछे। अब पिछले गांव में तो एक पहलवान था वो कुश्ती लड़का रहा था हार का आ गया छो तो उसके पीछे का उठ रहा वो चढ़ा तेरी बाण का नाश हो गया रेल में चढ़ा चढ़ते वो ही दिख गया सबसे पहले आगे बैठा चौड़ा हो गया कंटिन्यू और वो पहलवान बोले माड़ा परन हो रहे। अब उसने तो उसते भी नहीं हुई नुकदन बेरा मैं कौन हूँ अब नु कहते पहलवान ने पकड़ के उसकी थोथरी पकड़ के मुँह रध उठा लिया नुक हाँ क्या है तेनु भाई छोड़ दे बीमार हूँ तड़े दर्दे मर जाऊंगा शरीर में कुछ है नहीं पर फिर भी आंगा लाओगे। तीसरी बात मैंने बताया कि इंसान जो परमात्मा ने तेरे जीव दे रखे मीठा बोलो सारे काम बनेंगे परमात्मा का भजन करो इस जीव ते के लिखा तीसरी बार में ऊपर अरे जब आड़ा बोले जब बोले जब आड़ा बोले लगा जुबा के ताड़ा मन चाहे उत्पात करे तेरा बंद है गमते पाड़ा मात पिता तेरा कुटुम कबीला तू जिनका बना रुखाड़ा पल भर में एक पल भर में समय न पलट दे वो लीली छबरिया समय बदल दे
कि कवि जब भजन लिखता है अंतिम आखिरी कली में निचोड़ कराया करे। आखिरी कली मैंने बताया कि इंसान को परमात्मा का भजन करना चाहिए। एक परमात्मा ऐसी चीज है, परमात्मा की सच्चे मन तक अगर सुरती लगाओगे तो आपको मोक्ष को प्राप्ति होगी। मोक्ष का मतलब है कि जो निराकार प्रभु है वो एक समुद्र के समान है और जो हमारे शरीर में जो आत्मा है वो एक जीव है, वो एक बूंद के समान है। जब तक ये बूंद उस परमात्मा तक नहीं मिलेगी, उस समुद्र में जाकर नहीं मिलेगी, जब तक तड़पती रहेगी, 84 लाख योनियों में भोग भोगती रहेगी। किंतु अगर हम सच्चे मन से परमात्मा का भजन करेंगे, काम क्रोध मद लोभ मोह इन पर काबू करके और फिर राम का नाम जपेंगे, ओम का नाम बजेंगे, बाबा का नाम बजेंगे, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। आखिरी कली में क्या लिखा कवि ने, क्यों कर तू किसे की किसे की भी कोन्या माने इसी तेरी के अस्ती हो दिन उजड़े गा और जागा या नगरी न्यो बसती होगी है वृद्ध अवस्था में भवर बीच की छुट्टी होगी इस दिन नखरे रूप जवानी तेरी सब तय ससरी होगी रूप जवानी होगी।